पिछली रात यानी 3 फरवरी को मुंबई में स्टार स्क्रीन अवार्ड का आयोजन हुआ था। इस इवेंट में माधुरी दीक्षित, सलमान खान, कटरीना कैफ और शाहरुख खान जैसी बड़ी बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। इस इवेंट को भूमि पेडनेकर ने होस्ट किया। हर हिट फिल्म को स्टार स्क्रीन अवार्ड का नॉमिनेशन मिला, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड कौन ले गया। इस बार शाहिद, रणबीर नहीं बल्कि राजकुमार राव बाजी मार्च गए। जी हाँ, राजकुमार राव को फिल्म न्यूटन के लिए बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। वहीं कटरीना आलिया को पीछे छोड़ विद्या बालन को बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया।